नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम कॉनिकल प्रोजेक्शन शंक्वाकार प्रक्षेप, उसका अर्थ परिभाषा एवं एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं, उसकी रचनाविधि एवं उपयोग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शंक्वाकार प्रक्षेप कॉनिकल प्रोजेक्शन। खोखले शंक्वाकार कागज को भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अन्य किसी भी अक्षांश से ग्लोब को स्पर्श करता हुआ रखकर प्रकाश की सहायता से अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाना शंक्वाकार प्रक्षेप कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यह प्रक्षेप भूमध्य रेखा के अलावा किसी अन्य अक्षांश रेखा को ये टच करता है और उसकी सहायता से फिर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित रेखा जाल को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने एवं स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक शंकु प्रक्षेपों की कल्पना आज से 1900 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम टॉलेमी ने की थी, जिन्होंने इस प्रक्षेप का उपयोग विश्व मानचित्र बनाने में किया। इन प्रक्षेपों में एक साथ एक ही गोलार्ध का रेखा जाल बनाया जाता है। इस प्रक्षेप में पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव तथा शंकु का शीर्ष तीनों एक ही रेखा में होते हैं। पृथ्वी का केंद्र, पोल एवं शंकु का शीर्ष तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी हमेशा शुद्ध होती है। शंकु प्रक्षेप संदर्भ एवं असंदर्भ दोनों प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल का अध्ययन करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे। एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। एक मानक अक्षांश अथवा साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप में शंकु का शीर्ष ग्लोब पर ध्रुव के ऊपर स्थित होता है और वह ग्लोब के जिस स्थान को स्पर्श करता है वह मानक अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा व ध्रुव को छोड़कर किसी भी अक्षांश को मानक अक्षांश चुनकर ये प्रक्षेप बनाया जा सकता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को अंतरालीय दूरी के आधार पर, जो इंटरवल होता है उस दूरी के आधार पर शंकु तल पर प्रक्षेपित कर शंकु को फैलाकर प्रक्षेप का रेखा जाल तैयार किया जाता है। प्रक्षेप में एक मध्य देशांतर का चुनाव किया जाता है जो देशांतरीय विस्तार के मध्य में ही हो। प्रक्षेप में मानक अक्षांश बदलने के साथ साथ उसकी आकृति में भी कुछ परिवर्तन होता है। प्रक्षेप की विशेषताएं। एक मानक शंकु प्रक्षेप की विशेषताएं। नंबर एक, यह एक संशोधित संदर्भ प्रक्षेप है जिसमें मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, शेष अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध नहीं रहती है। नंबर दो, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, अतः इस प्रक्षेप को समदूरस्थ शंक्वाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। नंबर तीन, इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। नंबर चार, मानक अक्षांश पर आकृति एवं क्षेत्रफल का बहुत सीमा तक सही प्रदर्शन हो जाता है। पाँच, सभी अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त हैं। छः, अक्षांश वृत्त देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सेवन, ध्रुव ऊपरी वास्तविक स्थिति से उत्तर में दर्शाया जाता है। एट, प्रक्षेप में मानक अक्षांश बदल जाने पर उस पर निर्मित रेखा जाल भिन्न हो जाता है। तो ये इसकी शंकु प्रक्षेप की विशेषताएं थी, ऊपर हमने इसका अर्थ पढ़ा। अब आता है शंकु प्रक्षेप की रचना कि किस प्रकार से
शंकु प्रक्षेप बनता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंकु प्रक्षेप कैसे बनते हैं। प्रस्तुत एक मानक अक्षांश शंकुआकार प्रक्षेप की आलेखी, क्योंकि हम जो बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो पढ़ रहे हैं ये सारे ग्राफिकल प्रोजेक्शन हैं, जबकि मैथमेटिकल प्रोजेक्शन आपके पीजी में आते हैं। ज्यामिति नियमानुसार रचना की गई है। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, आरएफ दी गई है 1:140,000,000, प्रिप इंटरवल दिया गया 15 डिग्री और मानक अक्षांश है 45 डिग्री एवं इसका विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 पूर्व से 60 पश्चिमी दिशा से। ये सारे डेटा आपको सवाल में मिलेंगे। आरएफ 1:140,000,000 मापनी पर एक शंकुआकार प्रक्षेप की रचना करो जिसका अंतराल 15 डिग्री हो, मानक अक्षांश 45 डिग्री और इसका विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम। अब इसको सर्वप्रथम हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना होता है, रेडियस आर निकालनी होती है और ये होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। तो इसमें हमने 640 मिलियन में 160 मिलियन का भाग दे दिया और ये आ गए आपके 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। इस प्रक्षेप में हम दो आलेखी विधि से इसलिए दो डायग्राम बनाने होते हैं, एक आधार मानचित्र और दूसरा है मूल मानचित्र। अब आधार मानचित्र, ये आपका आधार मानचित्र है, इसको बनाने के लिए अब से हमारे पास में रेडियस आ गया तो 4 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे, ये ओ से यहाँ तक के ये 4 सेंटीमीटर का है और ये आपका चतुर्थांश आपको खींचना है, 4 सेंटीमीटर प्रकार में भरेंगे और आपने ये चतुर्थांश खींच दिया। इसके बाद में इंटरवल आपका है 15 डिग्री, तो सर्वप्रथम हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये आपका 15 डिग्री का कोण यहाँ पर, यहाँ से ये आपके आर बिंदु पर आकर मिला है और ये जो डिस्टेंस है आर और एम, इस दूरी से हम ये सर्किल खींचेंगे, ये आर और एम की सहायता से ये, और इसमें क्योंकि आपका मानक अक्षांश है 45 डिग्री तो एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने ये रेखा खींच दी। इस आर और एम की दूरी से आपने ये खींच दिया और इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया। इसी प्रकार से 45 डिग्री को हमने ओ और इस रेखा को आगे बढ़ाते हुए इस पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस दोनों को मिला दिया, तो ये हो गया आपका आधार मानचित्र। इसके आधार पर आपका पूरा प्रक्षेप तैयार होगा। अब वो आगे किस प्रकार से तैयार होगा वो हमें आपको देखना है। अब हम क्या करेंगे, एक असीमित लंबाई की रेखा खींचेंगे, ये आपकी मान लीजिए असीमित दूरी की रेखा है, इस पर आपका P और Q, इस रेखा से आपको यहाँ पर इस पर 9 प्रकार के रख के और आपको ये वाला 45 डिग्री वाला स्टैंडर्ड पैरेलल वाले आपने ये चाप खींच देना है। ये दूरी होगी P से Q वाली, इस दूरी को लेकर आपने सीमित दूरी की रेखा खींची, उस पर यहाँ प्रकार से चाप रखकर ये आपने ये खींच दिया। अब आपको क्या करना है कि बाकी का जो विस्तार है, जैसे अभी आपको इधर नहीं 0 तक जाना है ऊपर 75, तो ये जो RM दूरी है इस दूरी की सहायता से ये आपका 45 का हो गया, तो ये चाप भरा आपने, ये आपका 60 का हो गया और ये आपका 75 का हो गया और ये ऊपर आपका ये 90 हो ही जाएगा यहाँ पर, तो बिंदु आपका पहले से आ रहा है। इसी प्रकार से 45 से ये आपका ये दूरी 30 का निशान लगा लिया, 15 का निकाल दिया और 0 का, तो ये आपके सारे अक्षांश यहाँ से आप प्रकार रहेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, ये आपने घुमा दिया आपका 75 के बन गया, ये आपका 60 का बन गया, 45 आप पहले ही बना चुके हैं और इसी प्रकार से 30 का, 15 का और 0 का। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दूरी है ए और बी, जो आपके आरएम से यहाँ पर आपने सर्किल बनाने से बनी है ए और बी, इस दूरी को ये 45 डिग्री पर यहाँ पर आपके कितना है 60-60 है, तो यहाँ 0 से 15, 30, 45, 60, तो 4-4 ये आपका टान लेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। इसी प्रकार इधर से तो ये जो डिस्टेंस है स्टैंडर्ड पैरेलल पर, ये स्टैंडर्ड पैरेलल है और इस पर जो डिस्टेंस है
ये ए बी दूरी की सहायता से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, इधर भी चार निशान लगाएंगे, इधर भी, तो ये तो होगा आपका सेंट्रल मेरिडियन। अब इस बिंदु से ऊपर जहाँ से आपने स्टार्ट किया इसको इस बिंदु से मिलाते हुए आप सभी को नीचे ये रेखाएँ खींचेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसी प्रकार से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका चित्र बनकर तैयार है। अब इसमें आपका ये 0 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन प्रधान मध्यान रेखा, अब इधर से ईस्ट में जाइए 15, 29, 45 और 60, ये होगा ईस्ट, इसी प्रकार से 15, 30, 45 और 60, ये होगा वेस्ट। इसी प्रकार से 0 से आपका 0 डिग्री 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब जो भी ध्रुव है नॉर्थ पोल के लिए तो यहाँ पर एन लिख देंगे, साउथ के लिए तो यहाँ पर एस लिख देंगे, साउथ से। तो इस प्रकार से पहले आपने क्या किया कि रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद में आपने उस रेडियस से ये चतुर्थांश बनाया, चतुर्थांश के बाद में आपने जो इंटरवल है आपका 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री का कोण बना दिया इस पर, और आपका स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री का तो ये 45 डिग्री की दो रेखाएं खींच दी। इस रेखा की सहायता से आपने ये सर्किल बनाया और यहाँ पर ये कट रहे हैं ये आपके ए बी, ये आपके सेंट्रल मेरिडियन की डिस्टेंस आ गई, और इसको इसी रेखा को आगे बढ़ाया आपने और स्टैंड इन दोनों को 90 डिग्री बनाते हुए मिलाया, तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड पैरेलल की जो दूरी है उसके लिए डिस्टेंस आ गई। तो इस प्रकार से आपका ये कॉनिकल प्रक्षेप एक मानक अक्षांश वाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, एक मानक अक्षांश शंकुआकार प्रक्षेप का उपयोग विशेषकर शीतोष्ण कटिबंध में छोटे छोटे भागों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। छोटे जो देश हैं जैसे जावा, क्यूबा, चिली, इन देशों के मानचित्र बनाने के लिए, हम छोटे देशों के मानचित्र बनाने के लिए शंकुआकार प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। ये आपका जो एक मानक अक्षांश शंकुआकार प्रक्षेप था उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और वो किस प्रकार से बनाया, तो ये आपकी एक सीट जो सवाल एग्जाम में भी आता है ये आपको सीट बनानी है एक, उसमें सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं, रेडियस निकालने के बाद में हम जो आधार मानचित्र है वो तैयार करते हैं। आधार मानचित्र में एक इंटरवल का कोण बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड पैरेलल का कोण बनाते हैं, ये इंटरवल के कोण से जो दूरी आ रही है इससे हम इसका ये चाप लेकर ये वर्क चाप खींचते हैं और इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे सारी दूरियां प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम इसकी सहायता से हम एक मानक अक्षा, अब इसमें ऊपर यहाँ पर ऊपर लिख देंगे हेडिंग सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और ये आधार मानचित्र बनेगा और ये इसका मूल मानचित्र बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन की ये सीट तैयार होती है। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।